हाय, वेलकम टू सैटर मंथा चैनल। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आपका जो है एरयू का काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। आज जो है 22 सितंबर से ही स्टार्ट हो गया है सुबह से, लेकिन 12 बजे के बाद ये अपडेट हुआ है और शाम को जो है काउंसलिंग की जो लिंक है वो आई है। तो इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल अब बताता हूँ और लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लिक कर आप जो है अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या आपको करने रहेंगे, पूरी डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एफिलेटेड कॉलेज चुनने में भी। तो ये कीप इट माइंड रखिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले। तो जो आपको जो है जो काउंसलिंग का डिटेल इन्होंने प्रोफार्मा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया, उसमें इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं। 5 स्टेप में फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, सेकेंड में आपको जो है उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट का जो है अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आप जो है जब फी पेमेंट कर देंगे तो सीट का कंफर्मेशन हो जाएगा आपका प्रोविजनली। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी या फिर जो है कॉलेज जो भी अलॉटमेंट हुआ है सीट कन्फर्मेशन का जो फी पेमेंट किया है उसके बाद आपको वहाँ बुलाया जाएगा जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो अपना डॉक्यूमेंट्स आप ले जाके वहाँ वेरीफाई करा सकते हैं। ये 5 प्रोसीजर बताए गए हैं ऐसे जो है। सेकंड जो अगर आपको जो है पसंद नहीं आ रहा है जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है फी पेमेंट आप कर दिए हैं तो अपग्रेड के लिए छोड़ सकते हैं या फिर जो है आपके पास ऑप्शन रहेगा उसको लॉक कर सकते हैं वहीं पे फी पेमेंट के बाद। ये दोनों ऑप्शन आपके रजिस्ट्रेशन में अवेलेबल रहेंगे तो कीप इन माइंड रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने साफ साफ लिखा है, आप जो है रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है फी पेमेंट कर दिए, कॉलेज कन्फर्म हो गया, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस समय अगर आप जो है डॉक्यूमेंट्स में आपकी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेचर कैंसिल करने पे फी रिफंड नहीं होंगे। तो फी रिफंड का दैट मीन मतलब है कि आप जो है जो पेमेंट करेंगे वो फी रिफंड नहीं होगा, कॉलेज का जो फी पेमेंट करेंगे वो आपका रिफंड हो जाएगा। ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया वो फी रिफंड नहीं होंगे, तो ये कीप इन माइंड रखिएगा। पूरा क्लीन जो है डिटेल नहीं दिया है उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, बट जो है फी कोई भी आपका जो है रोक नहीं सकता। आपकी जो है काउंसलिंग फी जो 700 रुपीज़ आपको पेड करने हैं उसमें 500 रुपीज़ आपके जो है एडवांस फी के रूप में है और 200 रुपीज़ आपकी काउंसलिंग फी है। काउंसलिंग फी तो आपकी वापस नहीं होगी, फी रिफंड में 500 रुपीज़ अगर आप जो है कोई कॉलेज आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो आपके जो है अकाउंट में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। एक बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दिया कि ये आपको करने हैं। अपग्रेडेशन के लिए आप सेकंड अलॉटमेंट में भी छोड़ सकते हैं। अपग्रेडेशन और न्यू अलॉटमेंट दोनों जो है सेकंड थर्ड ऐसे ही जो है चलेगा प्रोसीजर। तीन तक का ये दिए हैं कि 3 काउंसलिंग प्रोसेस हो सकता है। अगर सीट वैकेंट रहता है तो चौथे तक जा सकता है, लेकिन 2 तो कन्फर्म ही आने हैं कि 2 जो है लिस्ट तो ज़रूरी आएंगे आपके कन्फर्मेशन के। और एक चीज़ और मेंशन किया इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि आपको जो है जो भी कन्फर्म जो है सीट अलॉटमेंट होगा फी पेमेंट से पहले जो थर्ड प्रोसेस जो है सीट अलॉटमेंट का आपको जो है चॉइस फिलिंग जो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट होगा। जितने कॉलेज आप चूज करेंगे उसमें सीट अवेलेबल रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सीट जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर सीट उसमें रहता है तो उसमें अलॉटमेंट होगा। उसमें जो है इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जितने कॉलेज हैं जितने जो है आपने चूज किया उसी में आपको जो है अलॉटमेंट होगा, लेकिन इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सीट अलॉटमेंट को अपग्रेड के लिए भी आप छोड़ सकते हैं अगर जो है आपको जो है चाहते हैं कि वो अपग्रेड हो जाए। जैसे आपको फर्स्ट अलॉटमेंट में आप जो है फर्स्ट प्रेफरेंस तो डेफिनेटली है कि सभी लड़के जो है यूनिवर्सिटी ही चूज करेंगे, बट सबको तो मिलना नहीं है, 160 ही सीटें हैं। सेकेंड में जो अगर कॉलेज मिलता है वो अलॉटमेंट नहीं होता है, थर्ड आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो आप जो है थर्ड को जो है अपग्रेड के लिए छोड़ सकते हैं, लॉक नहीं करेंगे। आपको दोनों चॉइस अवेलेबल रहेगा, लॉक का भी, और अगर आप संतुष्ट हैं अपने कॉलेज अलॉटमेंट से तो आप जो है लॉक भी कर सकते हैं आफ्टर फी पेमेंट के बाद कन्फर्म पेज निकाल के। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद भी बात करेंगे कैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके जो आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए, उसके बाद जो है आपकी मार्कशीट की कॉपी, TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड जो है इनकम सर्टिफिकेट, एक ओरिजिनल ID चाहिए। वो जो है सारे के जो है आपको जो है फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने हैं ऑनलाइन स्कैन करके कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी चाहिए, ये ज़रूर आपने पास अरेंज कर लीजिएगा। डेट जो है आपके 22 सितंबर से स्टार्ट होके 25 सितंबर तक आपको जो है ये अलॉटमेंट का जो है चॉइस फिलिंग का करना है। उसके बाद जो है जब अलॉटमेंट आपका हो जाएगा तो आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन जो है जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इंडिविजुअली ही इन्फॉर्म किया जाएगा। इसीलिए जो है आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ID पासवर्ड के साथ ही जो है लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिला था वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज करना है आपको, उसी से आप चेक करिएगा अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर वेबसाइट 26 सितंबर के बाद रेगुलर जो है जरूर विजिट कीजिएगा। 28 सितंबर से आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं अगर कॉलेज आपको या यूनिवर्सिटी आपको सही लगती है जो भी हो।
तो आपको जो है चॉइस लॉक अपग्रेड का आप चूज ऑप्शन कर सकते हैं। ये रहा पूरा कंप्लीट डिटेल। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज प्रेफरेंस क्या रहेगा, क्या क्या चूज करेंगे, और जो है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे वो ऑनलाइन जो है चॉइस फिलिंग का, वहाँ पे सबसे पहले जो ओपन होगा जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है आपका पासवर्ड से तो ओपन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले ओपन हो रहा है जो आपने डिटेल अपनी जो सबमिट की है एप्लीकेशन फॉर्म में वो ओपन हो जाएगा। अगर उसमें कुछ चेंजिंग करना हो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट करिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर आप जाएंगे, वहाँ पर आएगा आपको फी पेमेंट के लिए 700 रुपीज़, जिसमें काउंसलिंग फी मैंने पहले ही बताया 200 रुपीज़ और 500 रुपीज़ आपके जो है एडवांस फी के रूप में रहेंगे। वो आपका पेमेंट आपने कर दिया, उसका रिसीट जनरेट होगा, वो आप प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने का ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका जो है चॉइस फिलिंग का आएगा, तो चॉइस फिलिंग में यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस रखिएगा। चार कॉलेज एफिलेटेड जो दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लिस्ट में, उसमें जो है आपका माँ वैष्णो देवी, मदर टेरेसा, हीरालाल लॉ कॉलेज एंड जो है फोर्थ यूनिटी लॉ कॉलेज है, चार दिखा रहे हैं। ज्यूरिश और जो है सिटी लॉ कॉलेज का मेंशन नहीं है उसमें, ये भी कॉलेज अफिलेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे ये प्राइवेट कॉलेज हैं। तो चॉइस फिलिंग तो अपने जो है बहुत वाइजली चूज कीजिएगा, क्योंकि मैं रिकमेंड कॉलेज तो बिल्कुल नहीं करूँगा, कॉलेज फिर भी एडमिशन तो सभी का यूनिवर्सिटी में होने पाएगा तो कॉलेज प्रेफरेंस तो डालना ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप डालना चाहते हो तो आप जो है सबसे पहले मदर टेरेसा, सेकंड पे माँ वैष्णो देवी, थर्ड पे यूनिटी और फोर्थ पे हीरालाल लॉ कॉलेज डाल सकते हो। अगर ज्योरिस और सिटी आता है तो उसको जो है प्रेफरेंस हीरालाल से ऊपर कर सकते हो, ये एक मेरा रिकमेंडेशन है। लेकिन जो है फिर भी अपने सोच समझ से अपने कंसेंट से आप डालिएगा, क्योंकि बाद में आपको किसी तरह का रिग्रेट ना हो कि जो है ऐसा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉलेज में एडमिशन फी पेमेंट से पहले ज़रूर एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि हर जगह का जो है पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज हर जगह के स्टार्ट हो गए हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट आपको वहाँ मिल जाएंगे, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट मिल जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूड कोर्ट क्या है, इंटर्नशिप क्या है प्रोवाइड करता है एक नई लाइब्रेरी का क्या है, जर्नल आते हैं एक नई इंटरनेशनल नेशनल जर्नल आते हैं एक नई लाइब्रेरी कैसी है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको जो है एक्सप्लोर करने में इंटेलेक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे डिटेल जरूर एक बार पता कर लीजिएगा बिफोर यू गो टू सबमिट योर फी, तो इम्पॉर्टेंट है ये, कंपलसरी जरूर पता कर लीजिएगा। मेरे तरफ से कॉलेज रिकमेंडेशन ये, मैं आपको प्रेफरेंस में बता दिया इतना ही जो है मैं बता सकता हूँ, कॉलेज का मैंने कोई जो है वो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। फिर भी आप जो है अगर कॉलेज में लेना है, बार बार पूछ रहे हो आप, तो एक जो है ये रिकमेंड मेरा जरूर सुन लेना कि एक बार जरूर चले जाना, अवेलेबल हो तो चले जाना, या फिर अलॉटमेंट हो जाता है कॉलेज का उसके बाद एक बार आ जाना, दूर भी हो कहीं तो एक बार आके देख लेना कि कॉलेज अलॉटमेंट सही है कि नहीं। तो फी पेमेंट आपको 2-3 दिन टाइम मिलेगा उसको करने में, तो तब आप कर लेना आराम से जो है कॉलेज सही है या नहीं है, बात करोगे इंटरेक्ट करोगे तो ये समझ में आएगी कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो फिर आपका एक्सपेक्टेशन है लॉ के अकॉर्डिंग वो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कॉलेज के डिटेल हो गए आपके, ये सारे मैंने आपको प्रोसीजर बता दिए। और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपको फी रिवोकेशन का बात कर रहे हो आप, जो है अगर आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद 1 मंथ का टाइम UGC गाइडलाइन के अनुसार मिलता है जिसमें फुल फी रिफंड हो जाता है। हर यूनिवर्सिटी जो है 1 मंथ का टाइम देती है जिसमें फुल फी रिफंड हो जाएगा। अगर जो है कहीं अदर यूनिवर्सिटी में स्विच करना चाहते हो विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वापस हो जाएंगे, इसमें टेंशन फ्री रहिएगा। आप जो है अगर यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट हो जाता है किसी और बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, वहाँ आपको लग रहा है कि वो मेरे सुटेबल है, मेरे लिए मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, मेरा जो है जो एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ फिलअप हो सकता है, तो आप जरूर स्विच करना है, डेफिनेटली स्विच करना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलता है डेफिनेटली स्विच करना, क्योंकि बेस्ट है, एक्सप्लोर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो, 1 मंथ में रिवोक कर सकते हो अपना जो है फुल फी रिफंड है, रिफंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 1 मंथ बाद अगर जो है आप जो है एडमिशन अपना रिवोकेशन करते हो तो उसमें जो है आपका जो है कुछ जो है मनी डिडक्टेड होगा, उसके बाद ही फी रिफंड होता है। तो ये कीप इन माइंड रखिएगा, टेंशन फ्री रहो। अगर जो है किसी और यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन करो तो फोकस्ड होकर, बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करो, अदरवाइज आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट है जुडिशरी के लिए, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है ये, नो डाउट। इसमें BHU है, AU है, LU है और 100 ईयर लेगेसी भी हो गए, अच्छे अच्छे यहाँ से नोटेबल एलुमनाई भी निकले हैं लॉ फैकल्टी से, तो वन ऑफ द बेस्ट है जुडिशरी के लिए, तो जरूर प्रेफर करना इसको। अब कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।